कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए CGPSC की पाठशाला क्लासेस को और करें अपने CGPSC एंड व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो स्टूडेंट, मैं निखिल कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल CGPSC पाठशाला में। CGPSC पाठशाला में आज हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स पर। अभी महीना चल रहा है मार्च का, मार्च 2024, और मैं आपको पढ़ा रहा हूं जनवरी 2024 का करंट अफेयर्स। पिछले एक महीने से YouTube पर मेरे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया गया है। लास्ट वीडियो हमारा जनवरी के महीने में आया था, जिसमें मैंने आपको छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह का प्रैक्टिस सेट कवर कराया था। जनवरी और फरवरी महीने के करंट अफेयर अभी आपके बचे हुए हैं, ठीक है। अभी तो जो मार्च का महीना था, इसमें मुझे आपको फरवरी के करंट अफेयर कवर कराना था, लेकिन जनवरी का भी आपका बचा हुआ है। तो आज जनवरी 2024 के करंट अफेयर को हम कवर करेंगे, और आने वाले 4-5 दिनों में फरवरी 2024 के भी करंट अफेयर को मैं आपको कवर करा दूंगा। देखिए, लास्ट एक महीने से YouTube पर वीडियो इसलिए अपलोड नहीं हुए क्योंकि मेरा कुछ हेल्थ इशू था, ठीक है, कुछ मेडिकल कंडीशन था, और उसके बाद फिर घर में फैमिली फंक्शंस हुए, जिस कारण से टाइम निकाल पाना पॉसिबल नहीं था वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। तो चलिए, अब चीज़ें जो है नॉर्मल हो गई है, अब वीडियो रेगुलर आएंगे। अभी आप लोगों का बजट भी कवर कराना है, केंद्रीय बजट, छत्तीसगढ़ बजट, उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे के वीडियो कंटिन्यू आते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ करंट अफेयर जनवरी 2024। CGPSC ई पाठशाला का छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 और छत्तीसगढ़ एवं केंद्रीय बजट 2024-25 का बुक मार्केट में 5 मार्च से अवेलेबल होगा। अभी मार्केट में नहीं है, मार्केट में 5 मार्च को आएगा। 5 मार्च से आपके नज़दीकी बुक डिपो में यह आर्थिक सर्वेक्षण का बुक अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। इस आर्थिक सर्वेक्षण के बुक को आप 5 मार्च से इन शहरों के बुक डिपो में जाकर के ले सकते हैं। यहाँ पे शहरों के नाम, बुक डिपो के नाम, उनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। इन बुक डिपो में जाकर के आप हमारे आर्थिक सर्वेक्षण के बुक को ले सकते हैं। साथ ही साथ हमारे मोबाइल ऐप CG बुक्स कार्ट में भी जाकर के आप CGPSC ई पाठशाला के इकोनॉमिक सर्वे के बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर घरों में फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से मंगा सकते हैं। CG बुक्स कार्ट मोबाइल ऐप में आपको CGPSC ई पाठशाला के साथ साथ छत्तीसगढ़ के अन्य कोचिंग इंस्टीट्यूट, अन्य पब्लिकेशन के बुक अवेलेबल हो जाएंगे, जिसे आप घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से मंगा सकते हैं। चलिए टॉपिक पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले है पद्म पुरस्कार 2024। 26 जनवरी के एक दिन पहले पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। इस साल हमारे प्रदेश के 3 विभूतियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। देखिए, पद्म पुरस्कार जो कि भारत के नागरिकों को दिया जाने वाला सम्मान है, भारत के नागरिकों को 4 प्रकार का सम्मान प्रदान किया जाता है। सबसे बड़ा सम्मान होता है भारत रत्न, ठीक है, भारत के नागरिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान होता है भारत रत्न। फिर उसके बाद आता है पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार की भी 3 श्रेणियां होती है, एक होता है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ठीक है। सबसे बड़ा भारत रत्न, भारत रत्न से छोटा पद्म विभूषण, उससे छोटा पद्म भूषण, और सबसे नीचे आता है आपका पद्मश्री। हमारे प्रदेश के 3 विभूतियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा पद्मश्री 2024, ठीक है। सबसे पहले उनके नाम क्या क्या है, एक है श्री रामलाल बरेट, दूसरे है श्री हेमचंद मांझी, और तीसरे है श्री जागेश्वर यादव। इन 3 विभूतियों को पद्म पुरस्कार 2024 से, यानी कि पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। श्री रामलाल बरेट जो कि कला क्षेत्र से संबंधित है, आर्ट, ठीक है, ये जो है कला क्षेत्र से संबंधित है, कला क्षेत्र, एक मिनट इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। श्री रामलाल बरेट जी जो है ये आपके कला क्षेत्र से संबंधित है, रायगढ़ जिले के निवासी है। ये किस नृत्य कला में पारंगत है पूछा जाए तो ये कथक नृत्य में पारंगत है, ध्यान देना, कथक न कि कथकली, ठीक, कंफ्यूज मत होना। किस नृत्य कला में पारंगत है, आपके कथक नृत्य में, राजा चक्रधर वो भी इस नृत्य कला में पारंगत थे, रायगढ़ घराने से संबंधित है श्री रामलाल बरेट, जिन्हें कला के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान किया जाएगा वो भी याद रखना, कला के क्षेत्र में, कथक नृत्य में ये, इन्हें जो है प्रसिद्धि प्राप्त है, ये रायगढ़ जिले के निवासी है। दूसरे है श्री हेमचंद मांझी। श्री हेमचंद मांझी को चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है, मेडिसिन, चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें पद्मश्री 2024 से सम्मानित किया जाएगा। इन्हें वैद्यराज मांझी के नाम से भी जाना जाता है, वैद्यराज मांझी, ये नारायणपुर जिले के निवासी है, ठीक है, नारायणपुर जिले के निवासी है आपके वैद्यराज मांझी, या आपका श्री हेमचंद मांझी, जिसे स्थानीय लोग जो है वैद्यराज मांझी के नाम से पुकारते हैं। और एक है आपके श्री जागेश्वर यादव।
श्री जागेश्वर यादव को सामाजिक सेवा क्षेत्र में, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में इन्हें पुरस्कार पद्मश्री 2024 से सम्मानित किया जाएगा। इन्हें बिरहोर के भाई के नाम से ही पुकारा जाता है, ठीक है। स्थानीय लोग जो लोग हैं वो इन्हें बिरहोर के भाई इस नाम से भी पुकारते हैं। ये जशपुर जिले के निवासी है। किस जिले से है, किस क्षेत्र में पुरस्कार मिल रहा है और किस लिए ये प्रसिद्ध है, इसे याद रखिएगा। श्री रामलाल बरेड जिन्हें कला के क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, श्री हेमचंद मांझी जिन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में पद्म पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, श्री जागेश्वर यादव जिन्हें सामाजिक सेवा के क्षेत्र में पद्म पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, श्री रामलाल बरेड जो कि कथक नृत्य में पारंगत है, श्री हेमचंद मांझी जिन्हें वैद्यराज मांझी के नाम से भी जाना जाता है, और श्री जागेश्वर यादव जिन्हें बिरहोर के भाई के नाम से भी जाना जाता है। श्री रामलाल बरेड जो कि रायगढ़ जिले के निवासी है, श्री हेमचंद मांझी जो कि नारायणपुर जिले के निवासी है, और श्री जागेश्वर यादव जो कि जशपुर जिले के निवासी है। अब इनसे जुड़े हुए कुछ और फैक्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ों को हाईलाइट किया हुआ है, उसे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले श्री रामलाल बरेड, श्री रामलाल बरेड कथक के मूर्धन्य नर्तक पंडित है आपके रामलाल बरेड जी, जो कि रायगढ़ जिले के निवासी है। इसके साथ साथ इनसे जुड़ा हुआ एक और फैक्ट है कि इन्हें जो है संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत है आपके रामलाल बरेड जी, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, ठीक है। कथक के मूर्धन्य नर्तक है, रायगढ़ जिले की निवासी है, ये संगीत नाटक एकेडमी द्वारा जो है इन्हें पुरस्कृत भी किया गया है। दूसरे है आपके हेमचंद मांझी, जैसे हमने पहले स्लाइड में देखा उसी सीक्वेंस में करते हैं। हेमचंद मांझी जो कि नारायणपुर जिले के निवासी है, नारायणपुर जिले के छोटा डोंगर इलाके के रहने वाले हैं, ठीक है। हेमचंद मांझी जिन्हें स्थानीय लोग वैद्यराज मांझी के नाम से भी इन्हें जानते हैं, 15 साल की उम्र से ही ये पारंपरिक औषधि ज्ञान से विभिन्न बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। कैंसर जैसी घातक बीमारियों के मामले में उनका इलाज बहुत कारगर माना जाता है, ठीक है। स्थानीय स्तर पर जो आपके जंगलों में जो जड़ी बूटियां मिलती है, ठीक है, इन्हें जो है अबूझमाड़ के जंगलों में पाई जाने वाली जड़ी बूटियों का काफ़ी ज्ञान है। कैंसर जैसी घातक बीमारियों के मामले में भी इनका इलाज काफ़ी कारगर माना जाता है, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, हेमचंद मांझी। फिर नेक्स्ट है आपके जागेश्वर यादव। जागेश्वर यादव जो कि जशपुर जिले के निवासी है, इनकी जो प्रसिद्धि है, इन्हें बिरहोर के भाई के रूप में जो है इन्हें प्रसिद्धि प्राप्त है। बिरहोर और पहाड़ी कोरवा जनजाति के उत्थान के लिए इन्होंने जो है अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। देखिए इन्हें जो है बिरहोर के भाई इस नाम से इन्हें पुकारा जाता है। इन्होंने बिरहोर और पहाड़ी कोरवा जनजाति के उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इन्होंने जशपुर में एक आश्रम की स्थापना भी की है। निरक्षरता उन्मूलन और समाज सेवा के मानकों को बेहतर बनाने में इन्होंने काम किया है। शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान से इन्हें पुरस्कृत भी किया जा चुका है। तो ये सारे फैक्ट इनके बारे में याद रखिएगा। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा, श्री रामलाल बरेड किस नृत्य कला में पारंगत है, तो कथकली, ठीक है, नाचा, पंथी, ऐसे करके ऑप्शन देगा, तो कथक नृत्य में पारंगत है। श्री हेमचंद मांझी को किस क्षेत्र में पद्म पुरस्कार सम्मानित किया गया, आपके चिकित्सा के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, ऐसे अलग अलग ऑप्शन देगा, तो किस क्षेत्र में इन्हें जो है पुरस्कृत किया गया है, इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में पुरस्कृत किया गया है, ठीक। तो ये सारे फैक्ट को याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस झांकी। इस बार जो गणतंत्र दिवस था, गणतंत्र दिवस के परेड में हमारे छत्तीसगढ़ का झांकी शामिल हुआ, ठीक है। इस बार के झांकी में हमारे छत्तीसगढ़ से मुरिया दरबार और लिमऊ राजा इन्हें जो है गणतंत्र दिवस की झांकी में शामिल किया गया। कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर था, ठीक है। अगर आप देखेंगे ये जो इतना है, ये वाला एरिया ये है मुरिया दरबार, ठीक है। मुरिया दरबार का संबंध है आपके बस्तर दशहरा के आखिरी दिन जो आपके बस्तर के राजा है वो आम जनता के बीच में जाकर के उनकी समस्याओं को सुनकर
उससे संबंधित निर्णय लेते हैं, ठीक है, उनकी समस्याओं का निदान करते हैं। तो ये है आपके बीच वाला जो स्ट्रक्चर है, ये है आपके मुरिया दरबार का। और लास्ट में अगर आप देखेंगे तो ये एक पेड़ बना हुआ है, यहां पर आपके ब्लैक कलर का चट्टान है, यहां पर ग्रीन कलर का ये है आपका नींबू, ठीक है, और ग्रामीण जो है आसपास बैठे हुए हैं। ये है आपका लिमऊ राजा, ठीक है, क्या है लिमऊ राजा, नींबू का ही नाम, नींबू को क्या बोलते हैं लिमू, तो ये है आपका लिमऊ राजा। और ये जो आपका मुरिया दरबार और लिमऊ राजा आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है, किस प्रकार से कनेक्टेड है देखिए, जो बस्तर क्षेत्र है, बस्तर क्षेत्र में एक परंपरा है मुरिया दरबार की, जिसमें जैसे बस्तर दशहरा के जो आखिरी दिन रहता है उस समय मुरिया दरबार का आयोजन होता है। मुरिया दरबार के दिन जो बस्तर के राजा है वो जाकर के आम जन की समस्याओं को सुनकर उससे संबंधित निर्णय लेते हैं। लेकिन बस्तर में जब राजवंशों का शासन नहीं था, तब उससे पहले ग्रामीण क्या करते थे, एक पत्थर के ऊपर नींबू को रख करके उसे राजा मान करके उसके सामने अपनी समस्याओं को प्रकट करते थे, ठीक है, एक वृक्ष के नीचे एक पत्थर के ऊपर नींबू को रख करके उसे राजा मान करके अपनी अपनी समस्याओं को प्रकट करते थे, और ग्रामीण आपस में ही उस समस्याओं पर चर्चा करके उसके निदान के बारे में सोचते थे। तो जब बस्तर क्षेत्र में किसी राजवंशों का शासन नहीं था, तब भी नींबू को राजा बना करके उनके सामने समस्याओं को बता करके आपस में ग्रामीण चर्चा करते थे उस समस्या के निदान के लिए, ठीक है। और इस लिमऊ, ये जो लिमऊ राजा है, ये लिमऊ राजा से ही मुरिया दरबार की उत्पत्ति हुई। तो सबसे पहले लिमऊ राजा का कॉन्सेप्ट था, जब ग्रामीण एक नींबू के सामने अपनी समस्याओं को रख करके उससे संबंधित चर्चा करके निर्णय लेते थे। फिर बाद में जब राजवंशों का शासन आया, राजा का शासन आया, तब राजा आप जनता की समस्याओं को सुनकर के उस पर निर्णय लेने लगा, ठीक है। तो ये है लिमऊ राजा, आगे आपको और कुछ इमेज दिखाऊंगा, क्लियर हो जाएगा। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है, ये झांकी जो है गणतंत्र दिवस के परेड में शामिल की गई थी, ठीक। देखिए ये लिमऊ राजा इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना। देखिए नई दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड में 28 में से 16 राज्यों का चयन किया गया झांकी के लिए। छत्तीसगढ़ की झांकी भारत सरकार की थीम, इस बार की जो झांकी की थीम थी वो था आपका भारत लोकतंत्र की जननी, यानी कि जो झांकी शामिल होंगे वो भारत के लोकतंत्र पर आधारित होगा, ये इसका थीम था, ठीक है, भारत लोकतंत्र की जननी पर आधारित था थीम। यह झांकी जनजातीय, जो छत्तीसगढ़ की जो झांकी शामिल की गई, यह झांकी जनजातीय समाज में आदिकाल से उपस्थित लोकतांत्रिक चेतना और परंपराओं को दर्शाती है, जो आजादी के 75 साल बाद भी राज्य के बस्तर संभाग में जीवंत और प्रचलित है, ठीक। इस झांकी का केंद्रीय विषय आदिम जन संसद के अंतर्गत जगदलपुर के मुरिया दरबार और उसके उद्गम सूत्र कोंडागांव जिले के बड़े डोंगर में स्थित लिमऊ राजा को दर्शाता है। यहां पे ध्यान देना क्या लिखा है, आदिम जन संसद यानी कि जन संसद मतलब लोकतंत्र, ठीक है, आदिम जन संसद के अंतर्गत जगदलपुर के मुरिया दरबार और उसके उद्गम सूत्र, यानी कि मुरिया दरबार का उद्गम सूत्र क्या था, यह था आपका लिमऊ राजा। ग्रामीण पहले क्या करते थे, जब किसी राजा का शासन नहीं था तब एक नींबू को राजा बना करके पत्थर को राजगद्दी मान करके उस पर नींबू रख करके उसके सामने अपनी समस्याओं को बताते थे। यानी कि जब मुरिया दरबार का कॉन्सेप्ट नहीं था उससे पहले उद्गम हो चुका था किसका, लिमऊ राजा का, ठीक है, ये आदिम जन संसद को दर्शाता है और यही थीम था क्या, भारत लोकतंत्र की जननी, उस पर आधारित है, ठीक। मुरिया दरबार विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे की एक परंपरा है जो कि 600 सालों से चली आ रही है। इस परंपरा के उद्गम सूत्र, यानी कि जो मुरिया दरबार का जो आपका परंपरा है, इसका उद्गम किससे हुआ है, लिमऊ राजा से। उद्गम सूत्र कोंडागांव जिले के बड़े डोंगर में एक पहाड़ी है जिसका नाम है गादीराव डोंगरी के लिमऊ राजा नामक स्थान पर मिलते हैं। इस स्थान से जुड़ी लोक कथा के अनुसार आदिम काल में जब कोई भी राजा नहीं था तब आदिम समाज एक नींबू को राजा का प्रतीक मानकर आपस में ही निर्णय ले लिया करते थे, ठीक है। तो ये था आपका लिमऊ राजा और मुरिया दरबार, ठीक। उड़ीसा में समृद्ध हस्तशिल्प और
हथकरघा क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाली रंग बिरंगी झांकी को विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रदर्शित झांकियों में प्रथम पुरस्कार मिला। ठीक है, टोटल आपके 28 राज्यों में से 16 राज्यों की झांकी शामिल हुई, जिसमें से हमारी छत्तीसगढ़ की भी झांकी शामिल हुई, उसे कोई पुरस्कार नहीं मिला। प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है आपके उड़ीसा, उड़ीसा की झांकी जो कि हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र पर आपके हथकरघा क्षेत्र पर आधारित थी। और धोर्डो पर्यटन गांव को प्रदर्शित करने वाली गुजरात की झांकी ने लोगों को पसंद श्रेणी का पहला स्थान पाया, यानी कि पीपुल चॉइस अवार्ड ये मिला किसे, धोर्डो पर्यटन गांव जो कि गुजरात की झांकी थी। ठीक, देखिए लिमाऊ राजा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये आपके इंटरव्यू का भी क्वेश्चन बन सकता है। लिमाऊ राजा क्या है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। बस्तर में आयोजित होता है मुरिया दरबार, और मुरिया दरबार से पहले की परंपरा है आपकी लिमाऊ राजा की, उससे भी पहले की, क्योंकि लिमाऊ राजा से उद्गम हुआ है मुरिया दरबार का। ठीक है, देखिए आपको कुछ इमेज दिखाऊंगा, समझ में आ जाएगा। ये आज भी बहुत से आपके बस्तर के क्षेत्र में ऐसे एक पेड़ के नीचे एक पत्थर रहता है, इस पत्थर को राजगद्दी माना जाता है। ठीक है, राजगद्दी माना जाता है। इसके ऊपर एक नींबू को इसके ऊपर रख देंगे, और जो ग्रामीण है ये अपनी समस्या को उस नींबू के सामने बताएंगे। उस नींबू के सामने समस्या को बताने के बाद आपस में चर्चा करके किसी एक निर्णय पर आएंगे। उसके बाद नींबू को काट, उसका पूजा करके, उसके चार हिस्से काट करके चारों दिशा में उसे फेंक दिया जाता है। ये है आपका लिमाऊ राजा का कॉन्सेप्ट। और वैसे ही लिमाऊ राजा के बाद जब छत्तीसगढ़ में राजवंशों का शासन आया, स्पेशली काकतीय राजवंश, तब मुरिया दरबार आयोजित होने लगा बस्तर दशहरा के आखिरी में। ठीक है, जिसमें बस्तर के जो राजा है ये आम जनता के बीच में जा करके उनकी समस्याओं को सुन करके उनकी समस्याओं से संबंधित एक निर्णय लेते हैं या उन पर निदान पर चर्चा करते हैं। जैसे अभी वर्तमान बस्तर के राजा है आपके कमलचंद भंसदेव जी। ठीक है, ये तो ये है मुरिया दरबार और लिमाऊ राजा। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार शहरी 2023। अभी हाल ही में जनवरी के महीने में स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार शहरी, ठीक है, शहरी क्षेत्र का स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार शहरी 2023 की रैंकिंग आई है। ये जो स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार है ये स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत आयोजित हुआ। इसका विषय था रिड्यूस रीयूज रिसाइकल, इस विषय पर आधारित था यह स्वच्छता सर्वेक्षण। ठीक है, इसका नोडल मंत्रालय था आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। रेटिंग देखिए, प्रदेश के कुल 72 शहरों को गार्बेज फ्री सिटी का रेटिंग प्राप्त हुआ है। हमारे प्रदेश के टोटल 72 शहरों को गार्बेज फ्री सिटी का रेटिंग प्राप्त हुआ है। इंडियास बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट, श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी। हमारा छत्तीसगढ़ इस स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार शहरी 2023 में तीसरे स्थान पर रहा, तीसरा सबसे स्वच्छ राज्य रहा। ठीक है, पहले नंबर पर रहा आपका मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पर रहा महाराष्ट्र, और तीसरे नंबर पर हमारा छत्तीसगढ़ देश का तीसरा सबसे स्वच्छतम राज्य रहा। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ वर्ष 2019, वर्ष 2020, वर्ष 2021 में पहले स्थान पर था। वर्ष 2019, 20 और 21, इन तीन सालों में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर था स्वच्छता सर्वेक्षण में। 2022 में इसे द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ और 2023 में यह श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में तीसरे स्थान पर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अब छत्तीसगढ़ के शहरों की स्थिति देख लेते हैं। अगर ओवरऑल नेशनल लेवल रैंकिंग की हम बात करें तो 1,00,000 से अधिक आबादी वाले शहरों में हमारा जो रायपुर है, रायपुर 12वें स्थान पर है, अंबिकापुर का अता पता नहीं। ठीक है, अंबिकापुर पहले टॉप 10 में रहा करता था, लेकिन इस बार अंबिकापुर टॉप 10 से बाहर है। रायपुर जो है ये 12th पोजीशन पर है। ठीक है, अगर देश में प्रथम स्थान पर कौन सा रहा 1,00,000 से अधिक आबादी वाले शहरों में पूछा जाए तो प्रथम स्थान पर दो शहर रहे। ठीक है, संयुक्त रूप से, एक तो मध्य प्रदेश का इंदौर और दूसरा गुजरात का सूरत। सेकेंड नंबर पर कोई नहीं था। ठीक है, सेकेंड नंबर रिक्त था। पहले नंबर पर एक साथ दो शहरों को रखा गया, एक था आपके मध्य प्रदेश का इंदौर और दूसरा है आपका गुजरात का सूरत। ठीक,
एक लाख से कम आबादी वाले शहरों में देश में प्रथम स्थान पर रहा आपका सासावड़, ठीक है, सासवड़, जो महाराष्ट्र राज्य का सासवड़ जो है देश में प्रथम स्थान पर रहा। वैसे ही एक लाख से कम आबादी वाले शहरों में पाटन जो है ये दूसरे स्थान पर रहा, ठीक है, पाटन, दुर्ग जिले का पाटन दूसरे स्थान पर रहा। रायपुर एवं पाटन को 5-स्टार शहरों का प्रमाणीकरण दिया गया है। ये जो रायपुर है और जो पाटन, इन दोनों को 5-स्टार शहरों का प्रमाणीकरण दिया गया है। प्रदेश के 2 शहरों को 5-स्टार, 23 शहरों को 3-स्टार, 47 शहरों को 1-स्टार आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रमाणित किया गया है, ठीक है। अब अगर हम देखिए जो पूरा भारत है, भारत को अलग अलग जोन में बांटा गया था, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, मिडिल जोन, ठीक है। तो ये जो आपका ईस्ट जोन में, यहां बात कर रहे हैं हम पूर्वी क्षेत्र में, ठीक है, जैसे अलग अलग जोन में जो बांटा गया रैंकिंग के हिसाब से, तो पूर्वी क्षेत्र में जो राज्य शामिल थे उन राज्यों में हमारे छत्तीसगढ़ के कौन कौन से शहर प्रथम स्थान पर रहे। 50,000 से 1,00,000 की आबादी में पूर्वी क्षेत्र में हमारे छत्तीसगढ़ का महासमुंद जिले का महासमुंद शहर ये 50,000 से 1,00,000 आबादी वाले शहर में प्रथम स्थान पर रहा, ठीक है। 25,000 से 50,000 की आबादी वाले शहरों में दुर्ग जिले का कुम्हारी प्रथम स्थान पर रहा। 15,000 से 25,000 वाले शहरों की सूची में रायपुर जिले का आरंग प्रथम स्थान पर रहा और 15,000 से कम आबादी वाले शहरों में दुर्ग जिले का पाटन प्रथम स्थान पर रहा, ठीक है। तो इन सभी को याद रखिएगा, यहाँ पर स्पेशली ध्यान देना पूर्वी क्षेत्र में, किसमें, पूर्वी क्षेत्र में, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ओवरऑल रैंकिंग। अगर ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो 15,000 से 25,000 वो तो आपका ईस्ट जोन था, अब ओवरऑल रैंकिंग की बात हो रही है। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय है और यहाँ पर उनकी रैंकिंग बताई जा रही है। द्वितीय, देखिए सबसे पहले आपका 15,000 से 25,000 की आबादी वाले शहरों में रायपुर जिले का आरंग ये सेकंड पोजीशन पर है ओवरऑल रैंकिंग। कोई जोन डिवाइडेड नहीं है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ऐसे कोई डिवाइड नहीं है, ओवरऑल रैंकिंग की बात हो रही है, ठीक है। तो 15,000 से 25,000 आबादी वाले शहरों में आपका आरंग जो है, रायपुर जिले का आरंग ये सेकंड स्थान पर रहा। 25,000 से 50,000 की आबादी में दुर्ग जिले का कुम्हारी ये सेकंड स्थान पर रहा और 50,000 से 1,00,000 वाली आबादी में महासमुंद जिले का महासमुंद शहर ये द्वितीय स्थान पर रहा, ठीक। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, नगर पालिका निगम रायपुर को वाटर सरप्लस श्रेणी एवं 5-स्टार का दर्जा मिला है। 5-स्टार दो को मिला है, एक रायपुर को और दूसरा पाटन को। तो रायपुर नगर निगम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट कि रायपुर नगर निगम को वाटर सरप्लस श्रेणी में रखा गया है एवं इसे 5-स्टार का दर्जा प्राप्त हुआ है। इस वाटर सरप्लस श्रेणी में शामिल होने वाला रायपुर देश का 15वां वाटर सरप्लस शहर है। इससे पहले 14 शहर ऑलरेडी शामिल है, अब 15वां शहर शामिल हुआ है आपका रायपुर। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के 169 निकायों में से 164 निकाय ODF प्लस प्लस का दर्जा, एक निकाय को ODF प्लस का दर्जा, 3 निकाय को ODF सर्टिफिकेट का दर्जा प्राप्त हुआ है, ठीक है। टोटल आपके 169 नगरीय निकाय है, उसमें से 164 निकाय जो है उन्हें ODF डबल प्लस का दर्जा, ठीक है, यहाँ डबल प्लस है, ODF प्लस प्लस का दर्जा, एक निकाय को ODF प्लस और आपके 3 निकाय को ODF सर्टिफिकेट का दर्जा प्राप्त हुआ है। ODF का मतलब क्या होता है, खुले में शौच मुक्त नगरीय निकाय, ठीक है, ODF खुले में शौच मुक्त नगरीय निकाय जिसे ODF कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भौंकने वाला हिरण, बार्किंग डियर, ठीक है, ऐसा हिरण जो कि कुत्ते के जैसे भौंक सकता है, यह देखा गया उद्दंती सीता नदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में, ठीक है। ये जो आपके भौंकने वाले जो हिरण की प्रजाति है, ये हिरण बारासिंगा की एक प्रजाति है जिसका वैज्ञानिक नाम है मंटियाकस मंटजैक, ठीक है, मंटियाकस मंटजैक इसका वैज्ञानिक नाम है। इसे इसका अन्य नाम है आपके मौनजैक हिरण, भारतीय कांकड़ या बार्किंग डियर। जो छत्तीसगढ़ के जो स्थानीय है इसे कोटरी के नाम से ही बुलाते हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ के स्थानीय इसे कोटरी के नाम से भी पुकारते हैं इस भौंकने वाले हिरण को। वैज्ञानिक नाम है मंटियाकस मंटजैक जो कि उद्दंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में देखा गया है। इस उद्दंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में 200 से 250 के आसपास इनकी आबादी है, ठीक है, जिसे जो है भारतीय कांकड़
मैंजेक हिरण या स्थानीय ग्रामीण इसे भौंकने वाले हिरण के नाम से भी इसे जानते हैं। अपने आसपास किसी शिकारी को देख करके ये कुत्ते के जैसे भौंकने वाले आवाज निकालते हैं, ठीक है, कर्कश आवाज निकालते, कुत्ते के जैसे भौंकते हैं। ठीक, तो यह है आपके भौंकने वाला हिरण कहां देखा गया, उद्यंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में। नेक्स्ट देखिए, धान की एक नई किस्म की खोज की गई है जिसे नाम दिया गया है संजीवनी, ठीक है, संजीवनी। इसे विकसित किया गया है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने धान की एक नई किस्म विकसित की है जिसका नाम क्या है, संजीवनी। इस धान की नई किस्म का लोकार्पण 10 जनवरी 2024 को उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी के द्वारा किया गया, ठीक है। इस दिन जो है आपके इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस था, तो स्थापना दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी आए हुए थे। उन्होंने इस आपकी धान की नई किस्म संजीवनी को लॉन्च किया। ये जो किस्म है छत्तीसगढ़ के धान की नवीन औषधीय किस्म है, यानी कि धान की इस प्रजाति में औषधीय गुण है। इसका उपयोग शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और कैंसर कोशिकाओं की रोकथाम में उपयोगी है, ठीक है, कैंसर की कोशिकाओं के रोकथाम में उपयोगी है आपकी संजीवनी। इसे तैयार किया गया है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के केंद्र ने 6 वर्षों तक शोध के बाद इसे तैयार किया है इस संजीवनी को, ठीक है। इसके टोटल 3 प्रोटोटाइप है, संजीवनी इंस्टेंट, संजीवनी मधुकल्प, संजीवनी राइस बार, ठीक है। इसी संजीवनी जो आपके संजीवनी जो धान है इसकी अलग अलग इसे कैटेगराइज किया गया है, संजीवनी इंस्टेंट, संजीवनी मधुकल्प, संजीवनी राइस बार, ठीक है। इसकी विशेषता क्या है, संजीवनी किस्म में मौजूद उच्च स्तर का फाइटोकेमिकल के कारण ही इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और कैंसर रोधी औषधीय गुण मिले हैं। शोध के अनुसार संजीवनी चावल मानव स्तन कैंसर, फेफड़ों के कैंसर और कोलेरेक्टल कैंसर कोशिकाओं के विरुद्ध शक्तिशाली कैंसर रोधी गुण प्रदर्शित करता है, ठीक है। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि इस किस्म का 10 दिन सेवन करने से कैंसर पीड़ित व्यक्ति के शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती देखी गई है, ठीक है। जब इसे विकसित किया गया और इसका टेस्टिंग किया गया, तो टेस्टिंग में यह पाया गया कि एक व्यक्ति अगर 10 दिन इसका सेवन करेगा तो 10 दिन में इसमें जो है कैंसर पीड़ित व्यक्ति के शरीर में रोग प्रतिरोधकता रोधक क्षमता जो है उसमें दिखाई गई है, यानी कि उसमें देखने के लिए मिला है, ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी बढ़ी है। तो ये है आपका संजीवनी धान जो कि औषधीय गुण वाला धान है जिसमें कैंसर कोशिकाओं के रोकथाम के लिए उपयोगी है। ये है संजीवनी धान का पैकेट, ठीक है, कैंसर सप्रेसिव संजीवनी इंस्टेंट, ठीक है। ये जो है आपके संजीवनी धान की पैकेजिंग है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ श्री रामलला दर्शन योजना, छत्तीसगढ़ श्री रामलला दर्शन योजना जिसे मंजूरी दी गई है आपके 10 जनवरी 2024 को। आप सभी को पता होगा कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठान किया गया, उनकी मूर्ति का। प्रदेश सरकार के द्वारा 10 जनवरी 2024 को छत्तीसगढ़ श्री रामलला दर्शन योजना को कैबिनेट मंजूरी मिली है। इसमें हितग्राही कौन होंगे, इसमें 18 वर्ष से लेकर के 75 वर्ष आयु वर्ग के जो छत्तीसगढ़ के निवासी है उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा, ठीक है। 18 से 75 वर्ष आयु वर्ग तो इसमें शामिल है, लेकिन इसमें 25% शहरी क्षेत्र से और 75% ग्रामीण क्षेत्र के लोग शामिल होंगे, ठीक है। उन्हें अयोध्या धाम लेकर के जाया जाएगा रामलला के दर्शन के लिए। तो जो आपके आयु वर्ग जो है 18 वर्ष से 75 वर्ष, तो उसमें जो लोग यात्रा करेंगे उस यात्रा में 25% शहरी क्षेत्र के लोग रहेंगे, 75% ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को दर्शन कराया जाएगा। इस योजना का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के द्वारा किया जा रहा है। इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि प्रतिवर्ष लगभग 20,000 से अधिक तीर्थयात्रियों को श्री रामलला अयोध्या धाम का दर्शन कराया जाएगा। इसके लिए एक ट्रेन संचालित है जो जिसका नाम है आस्था स्पेशल ट्रेन। 14 फरवरी 2024 को रायपुर से ये अयोध्या के लिए रवाना हुई थी। जो हमारे प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है आपके विष्णुदेव साय जी, उनके द्वारा हरी झंडी दिखा करके इस आस्था स्पेशल ट्रेन को
आपको अयोध्या के लिए रवाना किया गया था। इस योजना का लाभ छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों को मिलेगा, ऐसे लोग जिनकी आयु 18 से 75 वर्ष के मध्य है, ठीक है। इसके पहले चरण में, जो इसका फर्स्ट फेस है, पहले चरण में 55 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को ही इस योजना के तहत अयोध्या धाम भेजा जा रहा है, ठीक है। दिव्यांगजनों के परिवार के सदस्य को रहेगी पात्रता, यानी कि कोई व्यक्ति अगर दिव्यांग है, हैंडीकैप है, तो उसके साथ उसके परिवार को भी इस योजना के तहत भेजा जाएगा, ठीक। प्रत्येक जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में समितियां होगी। दुर्ग, रायपुर, रायगढ़, अंबिकापुर से ट्रेन जो है ये रवाना होगी। इसके साथ साथ हर सप्ताह IRCTC के द्वारा जो है मिलेगा एक ट्रेन, ये वही ट्रेन है आपका आस्था ट्रेन, जिसे कैबिनेट मंजूरी मिली है 10 जनवरी 2024 को। 18 से लेकर 75 वर्ष आयु वर्ग के लोग हितग्राही होंगे, जिसमें 25% शहरी क्षेत्र से, 75% ग्रामीण क्षेत्र से लोगों को लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल इसका क्रियान्वयन कर रहा है। प्रतिवर्ष लगभग 20,000 तीर्थयात्रियों को रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना का लाभ मिलेगा। इसके जो ट्रेन चलाई जा रही है उसका नाम है आपका आस्था स्पेशल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका चेटवापुरी धाम। चेटवापुरी धाम जो कि सतनाम पंथ का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, ये चेटवापुरी धाम है, ये शिवनाथ नदी के किनारे बेमेतरा जिले में स्थित है। इस चेटवापुरी धाम में अमरदास बाबा का समाधि स्थल है। ये जो आपके अमरदास बाबा है, ये गुरु घासीदास जी के पुत्र है। कुछ पुस्तकों में आपको लिखा हुआ मिलेगा अमरदास बाबा ये गुरु घासीदास जी के पुत्र है, कुछ में लिखा हुआ मिलेगा कि उनके वंशज है, ठीक है। ग्रंथ अकेडमी की ही छत्तीसगढ़ समग्र और जो आपका छत्तीसगढ़ के एक जो 2015 वाला एडिशन है उसमें कई जगह लिखा हुआ मिल रहा है कि ये जो आपका बाबा अमरदास है ये गुरु घासीदास जी के वंशज है। डायरेक्ट पुत्र नहीं बोला गया, वंशज है, ठीक है। कुछ जगह दावा किया जा रहा है कि जो आपके अमरदास बाबा जी है ये गुरु घासीदास जी के पुत्र है, गुरु घासीदास जी जो कि सतनाम पंथ के प्रवर्तक है, ठीक है। अलग अलग ग्रंथ अकेडमी के पुस्तकों में आपको अलग अलग मिलेगा, ठीक। तो बाबा अमरदास जी जो कि गुरु घासीदास जी के पुत्र है, उनका यहाँ पर समाधि स्थल है। शिवनाथ नदी के किनारे बेमेतरा जिले में इस चेटवापुरी धाम में प्रतिवर्ष पौष पूर्णिमा के दिन छेरछेरा पर्व के अवसर पर 3 दिवसीय मेले का आयोजन होता है, ठीक है। 3 दिवसीय मेले का आयोजन होता है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, चेटवापुरी धाम किस धर्म से संबंधित या किस पंथ से संबंधित पूछा जाएगा, तो सतनाम पंथ से संबंधित है। चेटवापुरी धाम किस नदी के तट पर स्थित है, शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है। चेटवापुरी धाम का मेला कब आयोजित होता है, तो पौष पूर्णिमा के दिन छेरछेरा पर्व के अवसर पर 3 दिवसीय मेले का आयोजन होता है। तो यह है आपका चेटवापुरी धाम, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है खेलो इंडिया सेंटर। हमारे छत्तीसगढ़ में अब तक टोटल 31 खेलो इंडिया सेंटर जो है इन्हें 31 खेलो इंडिया सेंटर की स्वीकृति मिल चुकी है, जिसमें से 24 ऑलरेडी स्थापित हो चुके हैं। 7 नए खेलो इंडिया सेंटर को अभी जनवरी 2024 में आपकी मंजूरी मिली है। 24 ऑलरेडी स्थापित हो चुके हैं, जनवरी के महीने में 7 को मंजूरी मिली है, तो टोटल हो गया आपका 31 खेलो इंडिया सेंटर। जो नए जो मंजूरी मिली है वो है तीरंदाजी खेल के लिए सेंटर की मंजूरी मिली है आपके कोंडागांव जिले में। फुटबॉल खेल के लिए आपके खेलो इंडिया सेंटर की मंजूरी मिली है सारंगढ़ और शक्ति जिले में। और उसके बाद है आपका कबड्डी के लिए आपका खेलो इंडिया सेंटर की मंजूरी मिली है गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही कबीरधाम मनेंद्रगढ़ भरतपुर चिरमिरी 3 जिले में। फिर उसके बाद है आपका बैडमिंटन के लिए मंजूरी मिली है आपके कोरिया जिले में, ठीक है। तो सारंगढ़ शक्ति 2, कोंडागांव 3, गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही कबीरधाम और मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, तो 3, 3, 6 और कोरिया 7 खेलो इंडिया सेंटर की मंजूरी मिली है। तो इस प्रकार से हमारे प्रदेश में टोटल 31 खेलो इंडिया सेंटर ये स्थापित होंगे। 24 स्थापित है, 7 को अभी हाल ही में स्वीकृति मिली है। अगर आप करंट अफेयर को शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो आपके पास ये लिस्ट होगा, करंट अफेयर की बुक में मैंने दिया हुआ है। प्रथम चरण में आपके शिवतराई बिलासपुर तीरंदाजी, बीजापुर तीरंदाजी, राजनांदगांव हॉकी, जशपुर हॉकी, गरियाबंद वॉलीबॉल, नारायणपुर मलखम, अंबिकापुर फुटबॉल, ये प्रथम चरण में स्थापित किए गए। द्वितीय चरण में बालोद जिले में है आपका वेटलिफ्टिंग, बलौदा बाजार में फुटबॉल, पाटन दुर्ग में कबड्डी, कांकेर में खो खो, रायपुर में वेटलिफ्टिंग,
रायगढ़ में बैडमिंटन, सुकमा में फुटबॉल, तृतीय चरण में बस्तर जिले में जो है आपका हॉकी, धमतरी में कुश्ती, जांजगीर चांपा में हॉकी, कोरबा में फुटबॉल, बलरामपुर में फुटबॉल, बेमेतरा में कबड्डी, दंतेवाड़ा में तीरंदाजी, महासमुंद में तीरंदाजी, मुंगेली में फुटबॉल और सूरजपुर में फुटबॉल। और बाकी बचे हुए सात जो चौथे चरण में जो मंजूरी मिली है उसका नाम मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये है खेलो इंडिया सेंटर की सूची। चिरौंजी जो कि हमारे प्रदेश का क्या है, एक लघु वनोपज है, ठीक है। प्रदेश सरकार जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वनोपजों की खरीदी करती है, लघु वनोपज है। वर्तमान में हमारे प्रदेश में टोटल 67 प्रकार के लघु वनोपजों का समर्थन मूल्य पर इनकी खरीदी की जाती है। ये जो चिरौंजी है, चिरौंजी चार के वृक्ष में जो है इसका संग्रह किया जाता है, चार के वृक्ष का फल होता है चिरौंजी। चिरौंजी जो है अभी हाल ही में चर्चा में क्यों आया, चिरौंजी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने चिरौंजी को रेड डाटा बुक में शामिल किया है। अब ये रेड डाटा बुक क्या होता है, रेड डाटा बुक पौधे, जानवरों, कवक या किसी खास राज्य या देश के कुछ स्थानीय प्रजातियों की दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। जो रेड डाटा बुक है उसमें वनस्पति, कोई विशेष प्रकार की जो वनस्पति है, पौधे है या जानवर है, कवक है, ठीक है, अगर वो दुर्लभ है या विलुप्त प्राय हो रहा है, बहुत जल्दी समाप्त होने की स्थिति में है, तो उन्हें जो है रेड डाटा बुक में उनका रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है। तो हमारे प्रदेश में जो आपके चार के वृक्ष का जो उत्पाद है चिरौंजी, उसे रेड डाटा बुक में शामिल किया गया है, ठीक है। इसे जो है रेड डाटा या इसे लाल सूची के नाम से भी जाना जाता है। IUCN ने वर्ष 1964 में रेड डाटा बुक की शुरुआत की थी, 1964 से इस रेड डाटा बुक की शुरुआत की गई है, ठीक है। इस चिरौंजी को लो रिस्क लिस्ट कंसर्न्ड यानी कि कम जोखिम पर चिंताजनक श्रेणी में इसे शामिल किया गया है, ठीक है। अभी थोड़ा सा कम इसमें जोखिम है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में ये छत्तीसगढ़ के जंगलों से समाप्त हो जाए। ये जो आपका चिरौंजी है, चिरौंजी का उपयोग मिठाइयों में होता है, हलवा, खीर, लड्डू, मेवे, स्वाद और शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए होता है, ठीक है। जैसे कि आप काजू, बादाम ये सब खाते हैं ना, वैसी टाइप का आपका होता है चिरौंजी। चिरौंजी स्पेशली खीर, बासुंदी ये सब बनाने में जो है कि आपके चिरौंजी का इस्तेमाल होता है। चिरौंजी वो सफ़ेद वाला प्रसाद में बटने वाला मीठा शक्कर वाला नहीं, चिरौंजी आप सर्च कीजिएगा फल, स्पेशली मिठाइयों में, आपके मिठाइयों और मुख्यतः खीर में इस चिरौंजी का उपयोग होता है। ये है आपके चार के वृक्ष से इकट्ठा किया गया चिरौंजी। इसको फोड़ेंगे तो हल्का आपके ब्राउन कलर में निकलता है ये, ठीक है। यहाँ ब्लैक दिख रहा है लेकिन फोड़ करके हल्का ब्राउन कलर में ये आता है, ठीक। हमारे प्रदेश में बीजापुर जिले के तर्रेम बासागुड़ा, ठीक है, तर्रेम बासागुड़ा में एशिया की सबसे बड़ी चिरौंजी की मंडी हुआ करती थी आज से 20 साल 30 साल पहले। अभी वर्तमान में यह अस्तित्व में नहीं है, लेकिन हाँ एक समय था कि बीजापुर जिले के तर्रेम बासागुड़ा में एशिया की सबसे बड़ी चिरौंजी मंडी थी। रेड डाटा अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की पुस्तक के अनुसार भारत में गंभीर रूप से विलुप्त प्राय प्रजातियों के पौधे एवं जानवरों की 132 प्रजातियों को सूचीबद्ध किया गया है। इस रेड डाटा बुक में टोटल 132 प्रकार के वनस्पति और जानवर इस सूची में शामिल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बहुरूपिया महोत्सव। बहुरूपिया महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष 31 दिसंबर को मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के चिरमिरी शहर में इसका आयोजन होता है। इस बहुरूपिया महोत्सव के आयोजन वर्ष 1990 से किया जा रहा है। इस बहुरूपिया नाम से स्पष्ट है, बहुरूपिया यानी कि अलग अलग प्रकार की वेशभूषा, अलग अलग प्रकार का रूप लेना, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है कि जो इसमें जो कलाकार शामिल होते हैं, कोई अकेले भी शामिल हो जाता है, एकल, कोई ग्रुप में शामिल होते हैं, जो कि अलग अलग प्रकार की वेशभूषा धारण करते हैं, अलग अलग प्रकार की वेशभूषा धारण करके सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक विषय पर रूप धर कर लोगों को जागरूक इसमें किया जाता है, यानी कि लोगों को जागरूक करते हैं। जैसे कि कोरोना काल था तो किसी ने कोरोना वायरस का गेटअप ले लिया, किसी ने डॉक्टर का ले लिया, किसी ने जो है आपके कंपाउंडर का ले लिया, तो वैसे ही जो है अलग अलग इसमें गेटअप लिया जाता है, कोई कुछ भी बन सकता है। जैसे कि अभी भगवान श्री राम अयोध्या ये काफ़ी हाईलाइट में था, तो कोई भगवान राम बने थे, कोई शबरी माता बनी थी, तो वैसे ही आपके एक गेटअप में थे आपके ये वीर हनुमान की गेटअप को जो है प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। आदित्य नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने वीर हनुमान का गेटअप लिया था, वो उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, धमतरी जिले से संबंधित है, जिन्हें प्रथम पुरस्कार प्रदान हुआ,
ठीक है। तो यह है बहुरूपिया महोत्सव। बहुरूपिया महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर को चिरमिरी में इसका आयोजन होता है। वर्ष 1990 से इस बहुरूपिया महोत्सव का आयोजन होता आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में कुछ नियुक्तियां हुई हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया है प्रफुल्ल एन भारत को, ठीक है। भारत हमारे छत्तीसगढ़ के एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता किन्हें नियुक्त किया गया है, प्रफुल्ल एन भारत। छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है महेंद्र छाबड़ा। महेंद्र छाबड़ा जो है इससे पहले भी छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष थे, लेकिन जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ तो अलग अलग आयोगों से जो यानी कि पूर्व की जो सरकार थी उनके द्वारा जो नियुक्तियां की गई थी उसे निरस्त किया जा रहा था, लेकिन उन्होंने ये जो है हाईकोर्ट में गए और इन्हें इनके पद पर बनाया गया है वापस, यानी कि पुनः इनकी नियुक्ति की गई है। तो महेंद्र छाबड़ा जो है ये छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष है। छत्तीसगढ़ के एडवोकेट जनरल कौन है, वो है आपके प्रफुल्ल एन भारत। और छत्तीसगढ़ राज्य उर्दू अकादमी का अध्यक्ष बनाया गया है इद्रीस गांधी को, ठीक है। तो ये एक एक नाम एक बार याद रख लीजिएगा, इद्रीस गांधी जिन्हें छत्तीसगढ़ राज्य उर्दू अकादमी का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट है आपका जल जीवन मिशन। ग्रामीण परिवारों को पेयजल समस्या से मुक्ति की मुहिम में केंद्र सरकार की बड़ी उपलब्धि। दावा किया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में, ठीक है, जल जीवन मिशन के तहत छत्तीसगढ़ में 75% से अधिक घरों में नल से शुद्ध जल पहुंचा है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के 75% से अधिक घरों में नल के माध्यम से शुद्ध जल पहुंचा है। 15 अगस्त 2019 तक नल कनेक्शन वाले घर की संख्या थी 3,19,741, ठीक है। आज के तारीख में यानी कि जनवरी के महीने में ये 37,49,556 हो गया है, यानी कि लगभग 55% जनवरी 2024 तक की स्थिति में जल जीवन मिशन के तहत छत्तीसगढ़ में 55% से अधिक घरों में नल के माध्यम से शुद्ध जल दिया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका वर्ष 2023 में सबसे कम प्रदूषित हवा वाले भारत के 10 शहरों की सूची जारी की गई, ठीक है। ऐसे शहर जहां की हवा सबसे कम प्रदूषित है, यानी कि आप इसको दूसरे शब्द में बोल सकते हैं स्वच्छ है, सबसे कम प्रदूषित हवा वाले भारत के टॉप 10 शहर, अगर इसमें फर्स्ट नंबर पर देखेंगे तो वो है आपका सिलचर, ठीक है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आपका भिलाई और कोरबा, छत्तीसगढ़ का भिलाई और कोरबा, अगर इनकी रैंकिंग देखेंगे तो 7th और 8th नंबर पर है। फर्स्ट में सिलचर, सेकंड में है आपका शिवसागर, थर्ड में है आपका अनंतपुरा, फोर्थ में है ऋषिकेश, फिफ्थ में है वाराणसी, सिक्स में है आपका कालाबुर्गी, सेवन्थ पे है भिलाई, एट्थ में है आपका कोरबा, ठीक। तो ये टॉप 10 जो आपके शहर है ये सबसे कम प्रदूषित हवा वाले शहर है, ठीक है, इसको याद रख लेना। सबसे कम प्रदूषित हवा वाले शहरों की सूची में हमारे छत्तीसगढ़ का भिलाई और कोरबा शहर शामिल है। ये है, ये जो आपकी रैंकिंग है ये 2023 की है, ठीक है, 2023 के सर्वे के अनुसार है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है तातापानी महोत्सव। तातापानी महोत्सव का आयोजन ये जो है प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर 3 दिवसीय मेले का आयोजन 14 से लेकर के 16 जनवरी 2024 यहाँ 2024 होगा ना 14 से लेकर के 16 जनवरी 2024 में ये जो है आपके तातापानी महोत्सव या संक्रांति पर्व तातापानी इसका आयोजन होता है बलरामपुर रामानुजगंज जिले के तातापानी वाले क्षेत्र में। यहाँ पर एक गर्म जल का स्रोत है, गर्म जिसे हम स्थानीय स्तर पर जिसे ताता बोलते हैं, ठीक है, इस कारण से इस स्थान का नाम पड़ा तातापानी। यहाँ पे गर्म जल का एक कुंड है। ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के अवसर पर इस गर्म जल के स्रोत पर जाकर स्नान करने से चर्म रोग से निदान पाया जा सकता है, ठीक है, चर्म रोग की समस्या दूर हो जाती है इस मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ पर जाकर के गर्म जल के कुंड पर स्नान करने से। इसी तातापानी में जो है आपका एक प्रोजेक्ट भी है, ठीक है, जो आपके हॉट वाटर से बिजली उत्पादन करने का प्रोजेक्ट यहाँ पर प्रस्तावित है, ठीक। यहाँ पर एक भगवान शिव का मंदिर है जहाँ पर आपका इस मेले का आयोजन होता है। इस मेले में आपके मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी शामिल हुए थे, उन्होंने तातापानी को पर्यटन क्षेत्र भी घोषित किया है, ठीक है, तातापानी को एक पर्यटन क्षेत्र घोषित किया है। तो इस सारे फैक्ट को याद रखिएगा कि 14 से लेकर 16 जनवरी 2024 के मध्य इस तातापानी महोत्सव का आयोजन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बस्तर द नक्सल स्टोरी,
ठीक है, छत्तीसगढ़ की नक्सलाइट पृष्ठभूमि पर आधारित एक फिल्म है जिसका नाम है बस्तर द नक्सल स्टोरी। 13 मार्च 2024 को यह रिलीज होने वाला है, ठीक है, जाकर के इसे देखिएगा, बस्तर द नक्सल स्टोरी। इससे क्वेश्चन तो पूछे जाने की संभावना नहीं है, एक क्वेश्चन शायद बन सकता है कि बस्तर द नक्सल स्टोरी ये जो फिल्म है इसके निर्देशक है आपके सुदीप्तो सेन, ठीक है, जबकि इसके प्रोड्यूसर है विपुल अमृत लाल शाह, ठीक है, विपुल शाह के नाम से जाने जाते हैं, विपुल शाह और आपके सुदीप्तो सेन। सुदीप्तो सेन डायरेक्टर है, विपुल शाह जो है इसके प्रोड्यूसर है। 15 मार्च 2023 को ये फिल्म रिलीज होने वाली है। छत्तीसगढ़ की पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म है। निर्माता निर्देशक इनके नाम को याद रखिएगा, ठीक है, बस्तर द नक्सल स्टोरी। ठीक, पहली बार कोई बड़े बैनर की फिल्म हमारे इस छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल क्षेत्र में बन रही है। नेक्स्ट है कोल्ड चैन पॉइंट सर्टिफिकेट। जनवरी 2024 में छत्तीसगढ़ के 3 अस्पतालों को वैक्सीन के सुरक्षित रखरखाव के लिए बने कोल्ड चैन पॉइंट के लिए IOS सर्टिफिकेट मिला है। ये अस्पताल कौन कौन से हैं? एक है आपका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नरहरपुर कांकेर, दूसरा है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केशकाल कोंडागांव और तीसरा है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेन्नूर नारायणपुर। इन 3 अस्पतालों को वैक्सीन के सुरक्षित रखरखाव के लिए इन्हें ISO सर्टिफाइड मिला है और ISO सर्टिफिकेट पाने वाला जो है हमारा छत्तीसगढ़ देश का दूसरा राज्य है। किस मामले में? वैक्सीन सुरक्षित रखरखाव के मामले में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इन हॉस्पिटल के नाम याद रखिएगा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नरहरपुर कांकेर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केशकाल कोंडागांव और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेन्नूर नारायणपुर, ठीक है। और यह आपका ISO सर्टिफिकेट पाने वाला यानी कि कोल्ड चैन पॉइंट का ISO सर्टिफिकेट पाने वाला हमारा छत्तीसगढ़ देश का दूसरा राज्य है। सेकंड है गैर कोयला मुख्य खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड, ठीक है। देखिए खनिज ब्लॉक की ई नीलामी की जाती है, ठीक है, तो यहां बोला जा रहा है गैर कोयला यानी कि कोयला को छोड़ करके अन्य सभी खनिज जैसे कि लौह अयस्क, बॉक्साइट, चूना पत्थर, लिथियम, ये कोयले को छोड़कर के बचे हुए बाकी सभी खनिजों की बात की जा रही है। तो गैर कोयला मुख्य खनिज ब्लॉकों की नीलामी में बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड, देखिए इसका आयोजन हुआ था, एक सम्मेलन का आयोजन हुआ था, राज्य स्तरीय खनन मंत्री सम्मेलन जो कि आयोजित हुआ भोपाल में। इसमें गैर कोयला यानी कि कोयले को छोड़कर मुख्य खनिज ब्लॉक की नीलामी के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया मध्य प्रदेश को, द्वितीय पुरस्कार मिला है हमारे छत्तीसगढ़ को और तृतीय पुरस्कार संयुक्त रूप से मिला है आपके आंध्र प्रदेश कर्नाटक को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट में भी ये हाईलाइट किया गया है कि बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड गैर कोयला मुख्य खनिज ब्लॉकों की ई नीलामी में बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड पाने वाला हमारा छत्तीसगढ़ दूसरा राज्य है। विशेष छत्तीसगढ़ राज्य निकल क्रोमियम प्लेटिनम ग्रुप ऑफ एलिमेंट खनिज ब्लॉक का आवंटन करने वाला देश का पहला राज्य है, ठीक है, निकल क्रोमियम प्लेटिनम ग्रुप के एलिमेंट का यानी कि इन ब्लॉक को आवंटित करने वाला हमारा छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है निर्वाचन आयोग अवार्ड। आप सभी को पता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। छत्तीसगढ़ के साथ साथ छत्तीसगढ़ सहित कुल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद जो आपके केंद्रीय निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा निर्वाचन आयोग अवार्ड 2024 के पुरस्कार वितरित किए गए, जिसमें हमारे प्रदेश की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जिनका नाम क्या है, श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले, श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले जिन्हें बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का अवार्ड मिला है, ठीक है, यानी कि छत्तीसगढ़ में शांतिपूर्ण तरीके से सुचारू तरीके से चुनाव संपन्न कराने का अवार्ड प्रदान किया गया है श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले जी को, ठीक है। वैसे ही आपके दंतेवाड़ा के तत्कालीन कलेक्टर, उस समय जो दंतेवाड़ा के कलेक्टर थे विनीत नंदनवार, इन्हें जो है बेस्ट इलेक्शन मैनेजमेंट का अवार्ड मिला है। जो दंतेवाड़ा वाला जो क्षेत्र है, आप सभी को पता है कि हमारे प्रदेश में 2 चरण में चुनाव संपन्न हुए, ठीक है, प्रथम चरण में जितने भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र थे वहां पर चुनाव हुए और द्वितीय चरण में बाकी बचे हुए क्षेत्र में चुनाव संपन्न हुए। तो काफी संवेदनशील एरिया था आपका ये दंतेवाड़ा वाला एरिया, तो यहां पर शांतिपूर्ण तरीके से
अच्छे प्रबंधन के लिए बेस्ट इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए अवार्ड मिला है आपके विनीत नंदनवार को, ठीक है, इन दोनों का नाम याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है अब कुछ मिसलेनियस फैक्ट, ठीक है, कुछ सिंगल वन लाइन फैक्ट है, जैसे कि देऊर गांव और मटनार बैराज ये किस नदी पर निर्मित है या प्रस्तावित है पूछा जाएगा, अभी प्रस्तावित है, अभी से मंजूरी नहीं मिली है, तो ये है आपका देऊर गांव और मटनार बैराज, ये दोनों के दोनों आपके इंद्रावती नदी पर प्रस्तावित है। दूसरा हनालपाटा या इसे पाटा मारो के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, हनालपाटा नाम से तो आप परिचित होंगे, जो कि मृतक संस्कार का एक गीत है। एक अन्य नाम से भी इसे जाना जाता है जिसका नाम है पाटा मारो। पाटा मारो जो है मृतक संस्कार का गीत है जो कि महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। केसलापाट पहाड़ी, केसलापाट पहाड़ी किस जिले में है पूछा जाएगा, तो जशपुर जिले में स्थित केसलापाट पहाड़ी, यहाँ पर भी जो है मेले का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट है घड़घड़ी जलप्रपात, घड़घड़ी जलप्रपात, देखिए ऐसे कुछ नए जलप्रपात के नाम जो बीच बीच में आते हैं वो इंपॉर्टेंट है, नए जलप्रपात से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ट्रेडिशनल जलप्रपात से आप क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, ठीक है। हर बार आपको किसी न किसी एग्जाम में कोई क्वेश्चन देखेंगे जिसमें जलप्रपात से अगर रिलेटेड क्वेश्चन आया है तो उसमें हर बार जो है आपको नए जलप्रपात का नाम मिलेगा, ठीक है। तो घड़घड़ी जलप्रपात जो कि गरियाबंद जिले में स्थित है, शिवगंगा जलप्रपात जो कि बस्तर जिले में स्थित है, ठाड़ पानी जलप्रपात जो कि नवगठित जिला खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले में स्थित है, रमदहा जलप्रपात जिसे संगीतमय जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, यह भवर खोह ग्राम भरतपुर यानी कि मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के भरतपुर के भवर खोह ग्राम में स्थित है। रमदहा जलप्रपात की विशेषता है कि जब ये ऊंचाई में चट्टानों से टकरा कर गिरता है तो जब ये जब जल की धाराएं चट्टानों से टकराती है तो इससे संगीत की धुन उत्पन्न होती है, पास खड़े होकर के संगीत की धुनों को महसूस किया जा सकता है, इसलिए इसे संगीतमय जलप्रपात भी कहा जा रहा है, ठीक है। ताता पानी को पर्यटन क्षेत्र घोषित किया गया है, अभी आपके मकर संक्रांति के मेले के अवसर पर यह पढ़ चुके हैं। बेंदा मेला कवर्धा, ठीक है, बेंदा मेला, बेंदा एक जगह है आपके कवर्धा में जहाँ पे काफ़ी प्राचीन वहाँ पे मूर्तियाँ बिखरी हुई है, मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ पर भी मेले का आयोजन होता है। रक्सगंडा जलप्रपात मेला सूरजपुर जिले में रिहंद नदी के ऊपर निर्मित है आपका रक्सगंडा वाटरफॉल, ठीक है, यहाँ पर भी जो है मकर संक्रांति के अवसर पर मेले का आयोजन होता है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। रक्सगंडा जलप्रपात मेले का आयोजन कब होता है, मकर संक्रांति के अवसर पर, ऑप्शन दिया जाएगा मकर संक्रांति, छेरछेरा, हरेली, पोला, तो कब होता है आयोजन, मकर संक्रांति के अवसर पर। सर्प विज्ञान केंद्र यह प्रस्तावित है तपकरा, जशपुर जिले के तपकरा को छत्तीसगढ़ का नागलोक भी कहा जाता है, ऐसा ये जो आपका तपकरा है, तपकरा में जो वहाँ के स्थानीय जो ग्रामीण है जो आपके आदिवासी है उनके घरों में सांप स्वतंत्र रूप से विचरण करता है, जैसे कोई पालतू जानवर हो, उनके बच्चों के आसपास से सांप गुजरते हैं लेकिन उन्हें काटते नहीं, ठीक है, वहाँ पर जो है आपके सांप काफ़ी पूजनीय है, यहाँ तक कि उस क्षेत्र में सांप की मृत्यु होने पर मृत्यु भोज का भी आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो प्रदेश का सर्प विज्ञान केंद्र ये प्रस्तावित है आपके तपकरा जशपुर में। साठवा पखांजूर मेला या इसे नर नारायण मेले के नाम से भी जाना जाता है, ये 15 से लेकर के 22 जनवरी के मध्य इस मेले का आयोजन हुआ, मकर संक्रांति के बाद नर नारायण मेला या साठवा पखांजूर मेला इसका 60वां संस्करण था, ठीक है, इस मेले का आयोजन हुआ, कांकेर जिले में स्थित है आपका पखांजूर, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका सांकर दारहा एनीकट, ठीक है, एक एनीकट या इसे बैराज भी बोल सकते हैं, बांध का छोटा स्वरूप होता है। सांकर दारहा एनीकट जो है ये शिवनाथ नदी के ऊपर निर्मित है, राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव में स्थित है। छत्तीसगढ़ के नए खुफिया चीफ नियुक्त किया गया है अमित कुमार जी को। मावा कोडनार पर्यटन सर्किट कहाँ पर स्थित है पूछा जाए तो कोंडागांव जिले के केशकाल में। जूनी सरोवर मेला जो कि आयोजित हुआ 17 से लेकर के 25 जनवरी 2024 के मध्य यानी कि छेरछेरा के टाइम पे ये आयोजित हुआ था, ये बेमेतरा जिले में जूनी सरोवर मेले का आयोजन होता है। छत्तीसगढ़ का पहला आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय यह रायपुर जिले में खोला जाएगा, ठीक है, बृजमोहन अग्रवाल जी के द्वारा घोषणा किया गया है कि छत्तीसगढ़ का पहला आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय यह रायपुर जिले में खोला जाएगा। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज ने 210 मेगावाट हसदेव ताप विद्युत गृह कोरबा पश्चिम की 210 मेगावाट इकाई 2 को साल 2023 का सर्वश्रेष्ठ ताप विद्युत गृह का पुरस्कार दिया गया है। तो ये है आपका जनवरी 2024 का करंट अफेयर समाप्त। कुछ दिनों में यानी कि 4-5 दिन बाद जो है आपके फरवरी 2024 के करंट अफेयर को भी मैं कवर करा दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।